कितने विधायक आम आदमी पार्टी के वहां पर मौजूद होते हैं, जो बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जा रही हैं या पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं कि सारे विधायक साथ हैं, क्या वो साथ आज इस बैठक में भी दिख पाता है, ये भी देखना होगा आपको। लेकिन ये डर सता रहा है, इसीलिए बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया गया कि बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेता हैं जो ऑफर कर रहे हैं 20 करोड़ रुपए। हालांकि बीजेपी ने सवाल पूछ लिया कि वो कौन से नेता है, सबूत दीजिए, किस माध्यम से आपकी बात हो रही है ये बताइए, जो भी हो उसको सामने रखिए तथ्य के हिसाब से। आज सुबह 11 बजे केजरीवाल के घर पर अहम बैठक होनी, यानी अब से थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें तस्वीर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी कि जो डर आम आदमी पार्टी को सता रहा था वो डर कितना सच होने वाला है। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये डर सता रहा है, जाहिर तौर पर कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से डर सता रहा है। दिलीप पांडे ये भी मान रहे हैं कि कुछ है विधायक जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, ये आंकड़ा क्या है, 8 का या 8 से भी ज्यादा का? जी देखिए अर्पिता, आम आदमी पार्टी ने पूरा का पूरा एक तरह से एक नैरेटिव वॉर इस वक्त छेड़ रखा है, जब से सीबीआई की रेड हुई है मनीष सिसोदिया के ऊपर, और उसी नैरेटिव वॉर में हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक अध्याय जोड़ते जा रहे हैं। पहले ये दावा किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मनीष सिसोदिया को पोच करने की कोशिश की गई, उन्होंने उस पूरे के पूरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि 4 विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर आया था, और ये संजीव झा, सोमनाथ भारती जैसे पुराने विधायक हैं जिन्होंने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा बात कही गई। और उसके बाद पीएसी की मीटिंग, कल बहुत अहम मीटिंग राष्ट्रीय कन्वीनर आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे बुलाई गई, और उसी पीएसी की मीटिंग के बाद संजय सिंह ने ये बात कही कि रिजोल्यूशंस पास किया गया है, जो पोचिंग अटेम्प्ट है बीजेपी का उसके खिलाफ, और जिस तरह से भी पिछले कुछ दिनों में सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई रही है उसके खिलाफ, और हम उसी वक्त ये तय हो गया था कि आज 11 बजे आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये जरा बताइए कि अभी तक, क्योंकि 11 बजे, अब से थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद ही बैठक शुरू होनी है, कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं, पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ या नहीं हुआ? जी अर्पिता, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस वक्त ये अरविंद केजरीवाल का ये मुख्य द्वार है घर का, और यहां से आप देखिए पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई है, आमतौर पर सारे विधायक यहीं उतर रहे हैं, पैदल चल के दूसरे गेट से अंदर जा रहे हैं, जहां पे आपको कुछ सिक्योरिटी पर्सनल दिख रहे होंगे और पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं जो लिस्ट बकायदा चेक कर रहे हैं विधायकों की, और हेड काउंट अभी शुरू हो चुका है, यानी कि काउंटडाउन जो है आज की मीटिंग का वो शुरू हो गया है। और अभी हमने देखा है कि राजेश ऋषि, दिलीप पांडे जैसे सीनियर विधायक जो हैं वो जा चुके हैं अंदर ऑलरेडी, दिलीप पांडे बीच में मीडिया से भी बात करके गए हैं, बात सूत्रों के हवाले से जो खबर अभी तक आ रही थी उसको भी उन्होंने क्लैरिफाई किया, यानी कि हेड काउंट का जो काउंटडाउन है वो अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर अब शुरू हो गया, और 11 बजे ठीक अब से कुछ देर पहले, कुछ देर बाद 20 मिनट में संभवतः ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, और बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली है अर्पिता, क्योंकि 3 एजेंडा है मान के चलिए कि सबसे पहले हेड काउंट करना बहुत जरूरी है आम आदमी पार्टी के लिए कि आखिरकार कितने विधायक हैं जो उनके साथ इस वक्त खड़े हैं, और कौन वो विधायक हैं जो आज की विधायक दल की मीटिंग में नहीं आते हैं, और विधायक दल की मीटिंग में नहीं आने का मतलब है कि उसके बाद स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिरकार वो क्यों नहीं आए, क्या पर्सनल वजहें थी, दिल्ली में नहीं थे, कहां थे, या इनकम्युनिकेटो हो गए, यानी कि पार्टी के बिल्कुल संपर्क में ही नहीं है, वो तस्वीर साफ हो जाएगी, बड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी। दूसरा, एक स्ट्रैटेजी तय करनी बहुत जरूरी हो गई है अब आम आदमी पार्टी के लिए कि आने वाले दिनों में, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिरकार देखिए एक एक करके विधायक आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर जा रहे हैं, मीडिया से बात करने की मीडिया कर्मी लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विधायकों की तरफ से अभी तक जवाब नहीं आ रहा है। दिलीप पांडे ने जरूर बात की, जो मैं बात कह रहा था अर्पिता कि हेड काउंट पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है कि बहुत कंफ्यूजन है, कई सारे सवाल हैं विधायकों के अंदर, वॉलंटियर्स के अंदर, वर्कर्स के अंदर कि आखिरकार मैसेजिंग क्या की जाए, पब्लिक के अंदर क्या बात कही जाए, तो वो स्पष्ट हो जाएगा आज। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे बातचीत करेंगे विधायकों के साथ, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर दिया जाएगा कि क्या स्टांस रखना है, किस लाइन लेंथ पे बोलिंग होनी है, क्या मैसेजिंग रखना है, किस तरह से जवाब देना है।